हेलो स्टूडेंट्स, द टुडे टॉपिक इज रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग कर रहे थे हमारा रिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप का चैप्टर। इसके अंदर बेटे फर्स्टली मैंने आपको कराई जर्नल एंट्रीज, उसके बाद मैंने आपको रियलाइजेशन का फॉर्मेट सिखाया, हाउ टू ट्रांसफर द एंट्रीज इन अ कैपिटल अकाउंट एज वेल एज हाउ टू प्रिपेयर द बैंक अकाउंट। बेटे आज हम उसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बेटे हम लोग रियलाइजेशन के अंदर एंट्रीज कैसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट करेंगे। देखिए बेटे हमारी जो डीके इक्वल की बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर बेटे पी क्यू आर पार्टनर्स 2:1:1 के लिए है। तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में पी क्यू आर पार्टनर्स द रेशियो बिटवीन द 3:1:1। ओके, अब देखो बेटे सबसे पहले जो हमारा काम है इसमें हम लोग करेंगे एसेट्स को ट्रांसफर। तो देखो बेटे आप सबको पता है कि बैंक बैलेंस को छोड़कर, ठीक है, और नॉमिनल एसेट्स को छोड़कर, जैसे मान लो बेटा एसेट साइड पे कई बार प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हो, केवल उसको छोड़कर बाकी सारी एसेट्स को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में। और हमारी एंट्री क्या थी बेटे इसको ट्रांसफर करने की, एक बार मैं आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करवा देती हूँ साथ साथ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ओके, तो मैं सारी एसेट ट्रांसफर करूंगी। देखो बेटे फर्स्ट वन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट अमाउंटिंग रुपीज 1,50,000। उसके बाद टू डेटर्स, डेटर्स हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 88,000। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, यहां पर देखिए बेटे ऐसे ही हम लोग सारी एसेट्स, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है चाहे वो फर्नीचर है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू फर्नीचर अकाउंट एंड टू मशीनरी अकाउंट, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर अमाउंटिंग रुपीज। इस क्वेश्चन में बच्चों 40,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद 30,000 फर्नीचर एंड नेक्स्ट वन 90,000 इज मशीनरी। तो बेटे फर्स्ट एंट्री समझ में आई, मैंने सारी एसेट यहाँ पर ट्रांसफर कर दी है। अब हम करेंगे बेटे लाइबिलिटीज ट्रांसफर। तो देखो बेटे लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन बुक वैल्यू पे। बेटे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एंट्रीज क्या करेंगे बच्चों, कौन कौन सी लाइबिलिटीज की एंट्रीज को ट्रांसफर कर देंगे। अब देखिए बेटे, और बेटे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ओनली दोज लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड विच आर रिलेटेड टू आउटसाइड पार्टीज। जैसे बीपी है बेटे, क्रेडिटर्स है, हमारा प्रोविजन है डेटर्स का, ठीक है ना। तो देखो बेटे मैंने डेटर्स को नेट अमाउंट भी लिया है 88,000। तो इस क्वेश्चन में बेटा प्रोविजन दे रखा है तो इसको आप ट्रांसफर कर दोगे बाय प्रोविजन फॉर डेटर्स अमाउंटिंग रुपीज 8,000। उसके अलावा हमें क्वेश्चन में दे रखा है स्टूडेंट्स बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ट्रांसफर कर देंगे आप लोग बाय बिल्स पेबल अमाउंट, देख लीजिए स्टूडेंट इसकी। इस क्वेश्चन में बेटा क्रेडिटर्स हैं हमारे 80,000 के और स्टूडेंट 10,000 के हैं हमारे बिल्स पेबल। यहां हमने सिर्फ क्या किया है, एसेट और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया है। तो देखो बेटे आपको लाइबिलिटी साइड पे दे रखा है लोन फ्रॉम पी। तो मैंने आपको बताया था ना बच्चों ये पार्टनर का लोन है, इसके लिए हम अलग से लोन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन में हम केवल जो थर्ड पार्टी है बेटे उसी की लाइबिलिटीज को या उसको जो पेमेंट करनी है बच्चों उसी को ही ट्रांसफर करते हैं। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट। अब देखो बेटे इन एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, रियलाइज करने का मतलब क्या है, यू ऑल नो दैट बिजनेस बंद कर रहे हैं तो हम सारी एसेट्स को क्या करेंगे बच्चों, बेचेंगे, बेचेंगे भी रियलाइजेशन अकाउंट से, पेमेंट भी कैसे करेंगे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट से। अब देखिए बेटे इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय पी। अब देखो बेटे इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास क्वेश्चन में 40,000 की, वो किसने ले ली, पी ने। जब भी कोई पार्टनर वैसे एसेट लेगा क्वेश्चन में तो आप लोग क्या एंट्री करोगे, उसकी कैपिटल को कम करोगे, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ओके, ये अमाउंट मैंने किस लिए कराई है एंट्री, ये एंट्री इसलिए कराई है क्योंकि पी जो हमारा पार्टनर है बिजनेस के बंद होने के बाद उसने एसेट्स को टेक ओवर कर लिया है। तो देखो बेटे यहां पर क्या एंट्री आ जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पर बाय पी कैपिटल अकाउंट, यहां आप अपने लिए लिख सकते हैं क्रॉस चेक के लिए, इन्वेस्टमेंट टेकन
कि उसने इन्वेस्टमेंट ले ली है, इन्वेस्टमेंट है बच्चों हमारी क्वेश्चन के अंदर 40,000 की। नेक्स्ट एंट्री देखिए बेटे, क्यू ने बेटे क्या किया, फर्नीचर ले लिया, तो सेम एंट्री स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जितने भी लिया है ना बच्चों वही ट्रांसफर करोगे। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि फर्नीचर 20 में लिया है, नो मैटर कि आपका फर्नीचर कितने का है, जितने का बिकेगा वही वैल्यू दिखाओगे आप। तो यहां आ गई बच्चों बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, इसमें क्या लिया है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में, फर्नीचर टेकन, भाई फर्नीचर इसने ले लिया है और कितने अमाउंट में लिया है स्टूडेंट 20,000 में। ओके आगे देखिए बच्चों, क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब देखो बेटा क्रेडिटर्स हमारे क्वेश्चन में कितने के हैं, 80,000 के। अब आप बेटे क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करने के लिए और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या एंट्री आ जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 80,000 के स्टूडेंट्स हमारे क्रेडिटर्स हैं, 5% डिस्काउंट है, तो नो डाउट बेटे हमने अब अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनकी पेमेंट कितने में की है स्टूडेंट्स, 76,000। ओके आई मेरी बात समझ में बच्चों, देखो 80,000 के हमारे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सॉरी 5% डिस्काउंट है, तो 4,000 रूपये क्या हो गया डिस्काउंट, तो इट मीन्स हमने पेमेंट कितने में की है 76,000 में। तो यहाँ बच्चों क्या एंट्री आ गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ बेटे आप लोग लिखोगे टू बैंक अकाउंट, हमने किस लिए किया है ये बच्चों, क्रेडिटर्स के लिए 76,000। ओके आगे देखिए बच्चों, अदर एसेट रियलाइज, कि और एसेट्स को बेटे रियलाइज होने का मतलब है कि हमने उसको ओपन मार्केट के अंदर बेच दिया है, मतलब हमने बेसिकली बेचकर थर्ड पार्टी से पैसे ले लिए हैं, तो क्या एंट्री बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कोई भी एसेट बेचोगे तो पैसा आएगा एट दैट टाइम, बैंक क्या है बेटे उस केस में रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पेमेंट करोगे तो बेटे क्या एंट्री करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक। आगे देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपने स्टॉक रियलाइज किया है तो बेटे आपकी क्या एंट्री बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, आपके पास पैसे आ रहे हैं रियलाइजेशन से, ठीक है, सारी एसेट्स यहां पर बेटे आप लोग लिख लीजिए बाय बैंक अकाउंट। अब आप लिखिए कि पर्टिकुलर एसेट आपने कितने की बेची है, जैसे बेटे स्टॉक 80,000 में 80% में बेचा है, तो स्टॉक की वैल्यू बेटे हमारे क्वेश्चन में कितनी है 1,50,000, तो यहां पर बेटे अलग से लिख लीजिए स्टॉक आ गया बेटे 150 का 80% यानी कि 120। आगे देखिए बच्चों, डेटर्स हमारे रियलाइज हुए हैं 65,000, उसके अलावा बेटे मशीनरी 30% लेस पे है, पहले यूं देखिए बच्चों मशीनरी की वैल्यू क्या है, इन दिस क्वेश्चन मशीनरी कितने का है बच्चों 90,000 का, 90,000 का 30% आप प्लस करोगे बेटे 27,000, ये आ जाएगा बच्चों हमारा बेसिकली 63,000। ओके आगे देखिए बेटे 2,000 रूपये के हमने क्या पे किए हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस, तो बेटे रियलाइजेशन एक्सपेंसिस के लिए यही एंट्री हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, यहां पर क्या लिखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसिस। ओके कितने के हैं 2,000 के। अब बेटा मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनिए, देखो प्रोविजन की कोई पेमेंट नहीं होगी, क्रेडिटर्स की पेमेंट हमने कर दी है बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की कर दी है, आपको बेटे क्वेश्चन में बीपी की पेमेंट के लिए कुछ नहीं कह रखा, तो बेटे जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं भी कह रखा देन यू हैव टू फर्स्टली पे आउटसाइड लाइबिलिटीज, तो बेटे यहां पर आप क्या करेंगे बीपी की पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट, हमने क्या पेमेंट की है बीपी की, बुक वैल्यू पे कर दोगे, बुक वैल्यू है बेटे क्वेश्चन के अंदर 10,000 की, ऐसे बेटे आप इसका टोटल कर लेंगे ये आ जाएगा हमारा 2,48,000। ओके इसके बाद बेटे हम लोग क्या निकालेंगे हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस, ठीक है बेटा इसका टोटल करेंगे अब हम, ओके इसके बाद हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन का लॉस के बाद हम लोग निकालेंगे, हमने टोटल कर लिया स्टूडेंट्स ये आ गया बेटे हमारा लॉस, लॉस आया बेटे क्वेश्चन में 80,000 का। ओके तो बेटे इसको 2:1:1 में डिवाइड कर दिया 40, 20 एंड 20,000। ओके
अब उसके बाद बनाएंगे बेटे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बेटे हम लोग इसमें करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल्स ट्रांसफर करेंगे बेटे इस क्वेश्चन के अंदर। बेटे हमें कैपिटल दे रखी है बच्चों, पी की कैपिटल है बेटे क्वेश्चन में 2 लाख की, क्यू की है आपकी 1 लाख की, उसके बाद बेटे आर की कैपिटल है 2000, सॉरी इट्स नॉट अ 20, इट्स अ 2000। अब देखो बेटे सबसे पहले तो हमारा रियलाइजेशन का लॉस है, तो यहां पर बेटे इसको ट्रांसफर करोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है बच्चों, 40,000, 20,000 और 20,000, ठीक है बच्चों। उसके अलावा देखिए बेटे हमने यहां एंट्री नहीं की है, जैसे पी ने क्या ले ली बेटा इन्वेस्टमेंट और क्यू ने क्या ली है फर्नीचर, तो हमने क्या एंट्री की थी बच्चों उस टाइम, हमने एंट्री की थी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ओके, और एक की थी हमने क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बेटा रियलाइजेशन में तो आ गया बाय पी बाय क्यू, यहां जाएगा स्टूडेंट्स टू रियलाइजेशन, पी ने ली है इन्वेस्टमेंट, पी के कॉलम में आ गया बच्चों 40,000, क्यू ने लिया है बच्चों फर्नीचर, यहां आ गया बेटे 20,000। देखिए बच्चों दोबारा से, पी ने बेटा क्या लिया था इन्वेस्टमेंट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहां आ गया बच्चों टू रियलाइजेशन करके 40,000 इन्वेस्टमेंट के और 20,000 आ गए स्टूडेंट्स यहां पर हमारे फर्नीचर के। देखो बेटे क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व भी गिवन है, ये है बच्चों हमारा 8,000 का, तो क्या एंट्री करते हो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन है बच्चों पी क्यू और आर, इसको 211 में डिवाइड करोगे 8,000 का बेटे 2/4 आ गया 4,000 2,000 अगेन 2,000, ओके। आगे देखिए बेटे आगे इससे रिलेटेड अगर हमें कोई एंट्री दे रखी हो बेटे, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन में कोई एंट्री पेंडिंग नहीं है, आप इसमें बैलेंसेस निकाल लेंगे, ठीक है बच्चों, तो यहां लिखेंगे। अब देखो बेटे जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते थे ना तो आप हमेशा क्लोजिंग बैलेंस निकालते थे क्योंकि आप नेक्स्ट टाइम उसको फॉरवर्ड कर लेते थे, लेकिन बेटे यहां पर आप जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हो ना बेटे यहां आप पेमेंट कर दोगे फाइनली, मैंने कहा था ना सारी आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करने के बाद जो बचता है लास्ट में वो पार्टनर्स को दे दोगे, ठीक है। तो बेटे यहां आप लिखोगे पी कैपिटल अकाउंट डेबिट क्या उस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देख लेते हैं हमारे जो बैलेंसेस हैं वो कितने कितने आ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, तो देखो बेटे ये आ गए हमारे 2,04,000, ओके, इसका टोटल करोगे बेटे 1,02,000। तो ऐसा जरूरी नहीं है ना बेटे सभी को पेमेंट करनी पड़े, हो सकता है किसी की कैपिटल कम रह जाए डेफिशिएंसी रह जाए तो उससे हमें मंगवानी पड़ सकती है, तो अभी इसी का हम लोग आर का बैलेंस नहीं फॉरवर्ड करेंगे। तो बेटे यहां पर आप लोग पेमेंट करेंगे इस क्वेश्चन में 2,04,000 हमारे क्रेडिट साइड पे हैं और बेसिकली हम लोग इसमें से इसको क्या करेंगे बच्चों डिडक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन में 1,00,000, एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज करती हूँ, क्या करोगे बच्चों पेमेंट, ये आ जाएगा बेटे 1,24,000, ओके, इसका आ जाएगा स्टूडेंट यहां से 1,02,000 40 घटाओगे स्टूडेंट, ये आ गया बच्चों हमारा 62,000। अब देखो बेटे यहां पर 20,000 है, हमें रियलाइजेशन के लॉस से आर से कितने लेने हैं बच्चों 20,000 और जबकि आर को देने कितने हैं बच्चों 4,000, तो इट मींस बेटा आर की कैपिटल क्या है बेटे कम है, तो उस केस में बेटे हम आर से कैपिटल मंगवाएंगे। हमने पी के केस में क्या किया पी कैपिटल टू बैंक, क्यू के केस में किया क्यू कैपिटल टू बैंक, और इस केस में बेटे हम लोग क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल, तो बेटे यहां आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट किसके लिए यहां पर आया बच्चों, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 16,000, ओके, तो बेटे इनका टोटल कर लेंगे आप 2,04,000 एंड 1,02,000 एंड 20,000, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा बैंक का बैलेंस कितने हमने पेमेंट की और किसके आर के पास कम था उससे हमने उसको मंगवाया। उसके बाद बेटे हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन में एक तो लोन अकाउंट बनाएंगे, मैं यही आपको दिखा देती हूँ फुल फ्लैश क्वेश्चन के साथ। तो देखो बेटे यहां पर सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में दे रखा है पी का लोन अकाउंट, तो सिंपल सा है बेटे यहां जाएगा बेटे बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। ओके, तो देखिए बेटे यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो पी का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पी का लोन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, तो इसमें बेटा हमारा लोन है क्वेश्चन के अंदर बच्चों 20,000 का। तो यहाँ आ गया बेटे, और बेटे यहाँ हम लोग क्या करेंगे, पीज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने पी को उसके लोन की बच्चों क्या कर दी, पेमेंट कर दी 20,000 से। तो बेटे ये बन गया बच्चों हमारा लोन अकाउंट। लास्ट प्रोसेसिंग रह जाती है बच्चों इस क्वेश्चन में बैंक अकाउंट बनाने की, वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ, ध्यान से समझिए। बस आपको पता होना चाहिए कि फाइनली हमें एंट्रीज कौन कौन सी ट्रांसफर करनी है। देखो बेटे बैंक का क्वेश्चन में आपकी दे रखा है 30,000 का बैलेंस, तो बेटे आप यहां लिखोगे टू बैलेंस ब्रोट डाउन 30,000। ओके, अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन के अंदर आपने जहां भी बैंक वर्ड लिखा है, जैसे यहां लिखा है बच्चों हमने बैंक वर्ड लिखा है ना, देखो टू बैंक लिखा है ना, तो नो डाउट ये सारी एंट्री बेटे कहां जाएगी, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या एंट्री आ जाएगी बच्चों, क्रेडिटर्स, तो आपने डायरेक्ट पेमेंट लिखी, आप क्या लिखोगे बेटे इसमें, बाय रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स के लिए पे किया है हमने 76,000, उसके बाद बच्चों बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000, उसके अलावा बेटा बाय रियलाइजेशन अकाउंट आपने यहां पर बीपी की पेमेंट भी की है 10,000 की। और देख लीजिए बेटे हमने कहां बैंक लिखा है, स्टूडेंट हमने यहां भी तो बैंक लिखा है, बाय बैंक लिखा है, तो क्या एंट्री की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो देखो बेटे यहां पर हम लोग बाय बैंक लिखा है, तो यहां पर क्या आ गया बच्चों टू रियलाइजेशन। आप यहां पर डायरेक्ट अमाउंट भी ट्रांसफर कर सकते हैं बेटे 2,48,000। ओके, अब देखिए बेटे यहां भी हमने फाइनल पेमेंट की है, ठीक है ना बच्चों, तो हमने यहां पर क्या लिखा है टू बैंक, ठीक है, तो बेटा ये एंट्री क्या जाएगी हमारी, यहां पर आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बच्चों बाय पीज कैपिटल अकाउंट बाय केव्स कैपिटल अकाउंट। ये देखो बेटे कितनी बन गई 1,24,000 और नेक्स्ट 1,62,000। यहां हमने बेटा बाय बैंक किया है, तो हम लोग बेटे इसकी एंट्री कहां लिखेंगे, यहां टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटे ये आ गया यहां पर क्वेश्चन के अंदर 16,000। और देखिए बेटे आपने बैंक वर्ड एक यहां भी यूज किया है, आपने पी के लोन की पेमेंट की है, तो बेटे ये यहां पर क्या आ जाएगा, बाय पीज लोन अकाउंट इट्स 20,000। और देख लीजिए बेटे आपके क्वेश्चन में कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है, कोई क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं है, जो आपका रह गया हो 124 से हमने कैपिटल ट्रांसफर कर दी, 62 ऑलरेडी ट्रांसफर है, रियलाइजेशन में तीनों पेमेंट कर दी है, तो बेटे हम इसका क्वेश्चन के अंदर क्या कर लेंगे बेटा टोटल, ऐसा टोटल करेंगे, देखो बेटे इसमें 2,48,000 प्लस 46,000, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 2,94,000। ऐसे ही बेटे यहां का टोटल करोगे आप, ओके 1,84,000 प्लस 20,000, ये आ गया बेटे हमारा 2,94,000। हेयर ये क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आया हो। इसी वीडियो के अंदर बेटे मैं आपको एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगी। अब करेंगे बेटे इसी सीरीज के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटे इसके अंदर एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, ओके इस क्वेश्चन में बेटे हमें करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही सेम पैटर्न है बेटे। सबसे पहले तो बेटे हम लोग एसेट ट्रांसफर करेंगे टू डेटर्स अकाउंट। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि कैसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग, डेटर्स है बेटे हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 48,000, उसके बाद बच्चों टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक है स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन के अंदर 19,000, नेक्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 43,000, टू लैंड एंड बिल्डिंग्स ये है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर
1,09,000 वही बेटा सिंपल सी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। उसके बाद बेटे लायबिलिटी साइड पे आ जाइए बच्चों बाय क्रेडिटर्स ये आउटसाइड लायबिलिटी है बाय बिल्स पेबल ओके क्रेडिटर्स हैं बच्चों क्वेश्चन के अंदर 30,000 के बिल्स पेबल आपके क्वेश्चन में है 10,000 की। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन में ना आपको जी का लोन भी दे रखा है और वाई का लोन भी दे रखा है तो देखो बेटे वाई तो हमारा पार्टनर है ठीक है तो वाई का लोन तो आप इसके लिए तो लोन अकाउंट बनाओगे ठीक है बच्चों और जी के लिए आप लोग क्या बनाओगे बेटे आउटसाइडर लोन है तो बेटे आप इसको यहाँ ट्रांसफर कर दोगे बाय जी लोन अकाउंट ओके जी का लोन है बच्चों क्वेश्चन के अंदर 18,000 का। उसके अलावा बेटे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट देखो बेटे इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बेटे क्वेश्चन में दे रखा है हमें 33,000 का। बेटे हम देखेंगे कि हमारी लायबिलिटी कितने की बनती है हम उसके अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे बेटे इसको ट्रांसफर करेंगे। तो देखो बेटे अभी इस क्वेश्चन में ये पॉइंट देखिए बच्चों सबसे लास्ट पॉइंट दे रखा है कंपनसेशन टू वर्कमैन पे टू द फर्म अमाउंटिंग रूपीज 15,000 तो देखो बेटे हम लोग 15,000 का रिजर्व क्या कर रहे हैं बच्चों पे कर रहे हैं तो हम बेटे ट्रांसफर भी कितना ही करेंगे बेटे यहाँ पर 15,000 तो बेटे यहाँ आ जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ओके। अब देखो बेटे हम लोग लाइबिलिटीज पे करेंगे एसेट्स को रियलाइज करेंगे फर्स्ट वन डेटर्स हमारे आगे बच्चों बाय बैंक अकाउंट ये आए हैं स्टूडेंट हमारे डेटर्स ये आए हैं स्टूडेंट हमारे 29,000 ओके। उसके अलावा देखिए बच्चों क्रेडिटर्स और बीपी को पे किया है 10% काट के तो बेटा हमारे जो क्रेडिटर्स हैं 30,000 के हैं तो बेटे 30,000 का 10% आ गया 3,000 तो बेटे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27,000 और बीपी की पेमेंट भी कैसे की है हमने 10% डिस्काउंट से तो ये आ गया बच्चों सॉरी इट्स अ टू बैंक अकाउंट बीपी की तो हम लोग स्टूडेंट क्या कर रहे हैं पेमेंट कर रहे हैं 10,000 का काट के करोगे बेटे 10% तो 1,000 ये आ गया बच्चों यहाँ पर 9,000 नथिंग इज सेड अबाउट द जी लोन अकाउंट तो डायरेक्ट है बेटे यू हैव टू पे क्वेश्चन में कह रखा हो चाहे ना कह रखा हो तो बेटे आप लोग यहाँ करोगे पे टू बैंक अकाउंट जी लोन की आप पेमेंट कर रहे हैं वो है बच्चों हमारे क्वेश्चन के अंदर 18,000 का। आगे देखिए बच्चों वैसे इस क्वेश्चन में मेंशन है कि जो जी का लोन है वो सेम अमाउंट से पे करना है अगर बेटे नहीं भी कह रखा ना देन यू हैव टू पे ओके। आगे देखिए बच्चों ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितने का पे कितने की लायबिलिटी अराइज हुई है बेटे 15,000 की तो टू बैंक अकाउंट 15,000। उसके अलावा देखिए बेटे एसेट्स के केस में स्टॉक बेटे एक्स ने ले लिया एक्स हमारा पार्टनर है तो क्या एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन तो यहां आ जाएगा बच्चों बाय एक्स कैपिटल एक्स के ने कितने का लिया है बच्चों इसको 17,000 का। आगे देखिए बेटे देखो इस एंट्री में इसमें क्या कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि देखो अगर एक्स लेगा तो एक्स हमारा पार्टनर है देन वी हैव टू रिड्यूस द कैपिटल ऑफ एक्स तो मैंने क्या किया एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर बेटे के ले रहा है के इज नॉट द बिजनेस पार्टनर ओके तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटे बाय बैंक जैसे इसमें क्या रखा है ना कि फर्नीचर के को बेच दिया 20,000 में कितने में भी बिके ठीक है ना तो हम लोग सिर्फ सिंपल सा लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट फर्नीचर बेचा है बेटे हमने क्वेश्चन के अंदर 20,000 का। ऐसे ही बेटे लैंड एंड बिल्डिंग को सेल किया है बाय बैंक अकाउंट 2,98,000। और देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर बाकी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है तो देखो बेटे सिर्फ एक बात ध्यान रखना इसमें जो दो एंट्रीज नहीं आई हैं मैं दोबारा से रिकॉल कर देती हूँ बच्चों एक तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितने की लायबिलिटी है ना बच्चों उतना हमने क्या कर दिया अमाउंट ट्रांसफर कर दिया और उतना ही हमने क्या कर दिया बच्चों पे कर दिया ठीक है ना जितने की लायबिलिटी थी उतना ही अमाउंट हमने क्या कर दिया ट्रांसफर कर दिया और बाकी हम लोग क्या करेंगे बच्चों जो बच गया है हमारे पास रिजर्व वो रिजर्व है बेटे हमारे क्वेश्चन में टोटल रिजर्व है बेटे 33,000 का 33,000 जो 18,000 बच गए ना बेटे हम उसको इनकी रेशियो क्या है बच्चों कुछ नहीं कह रखा तो इक्वल रेशियो एक्स वाई जेड की ठीक है ना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा बच्चों तो एक्स वाई और जेड की रेशियो क्या है बच्चों
इक्वल, बाकी बेटे जो हमारा 18,000 बच गया है इसको हम लोग इक्वली क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर दोगे। इसलिए मैंने 15,000 ही डिवाइड किया है बेटे, क्योंकि लायबिलिटी हमारी कितने की अराइज हुई है, 15,000 की। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे, ठीक है, और हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो देखो बेटे, क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन पार्टनर है स्टूडेंट्स, एक्स वाई और जेड, यहां लिख लीजिए, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। अब हम इसका क्या करेंगे बच्चों, टोटल करेंगे इक्वेशन का, ठीक है, 37,000 इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे बेटे, ये आ जाएगा हमारे क्वेश्चन में 1,49,000, 4,37,000। तो ये बेटे हमारा क्या आ गया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट। इसका वन थर्ड शेयर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 49,666। अब एक बेटे हम लोग राउंड फिगर में करने के लिए क्या ले लेंगे, 0.6 को कंप्लीट कर देंगे, 7 हो जाएगा। उसके बाद बेटे हम लोग बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आप लोग क्या करते हैं बच्चों, कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। देखो बेटे, इस क्वेश्चन में हमारे जो बैलेंसेज ऑफ कैपिटल्स हैं बेसिकली वो दे रखे हैं बेटा हमें 75,000, 85,000, और यहां बेटे डेबिट बैलेंस है हमारे पास एसेट साइड पे, किसका है स्टूडेंट, जेड का, वो है बच्चों हमारा 20,000। ये तो बेटा बताने वाली बात नहीं है, क्रेडिट साइड पे था तो क्रेडिट पे ट्रांसफर कर दिया, डेबिट पे बैलेंस है तो यू हैव टू ट्रांसफर ऑन डेबिट साइड, ओके। उसके बाद बच्चों हमारा रिवोल्यूशन का हमारा रियलाइजेशन का प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन, ओके, 49,666, 49,667, 49,667, ओके। अब यूं देखिए बेटे, हमने कैपिटल वर्ड कहां कहां ट्रांसफर किया है, तो देखो बेटे इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक जगह कैपिटल वर्ड ट्रांसफर किया है, हेयर, ओके, जहां पर बेटे एक्स ने हमारे क्वेश्चन में क्या लिया था बेटे, बेसिकली स्टॉक लिया था, तो इसके लिए बेटे क्या किया हमने, एंट्री बाय एक्स कैपिटल, तो बेटे यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, टू रियलाइजेशन। एक्स ने बेटे 17,000 का क्या लिया था क्वेश्चन के अंदर, फर्नीचर लिया था, ठीक है बेटे। उसके अलावा बेटे एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो मैं तुम्हें दोबारा से बताती हूँ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, रिजर्व कितने का था बच्चों, 33,000 का, क्लेम क्वेश्चन में कितने का है बच्चों, 15,000 का। वैसे बेटे मुझे भी एरो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ डू द क्वेश्चन इन अ फॉर्मेट, तो मैं भी आपको फॉर्मेट में ही जनरल बताती हूँ। 15,000 बच्चों यहाँ आ गए। उसके बाद बेटे हम लोग कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एक्स वाई और जेड में, तो बेटा इनकी रेशियो इक्वल है, तो 18,000 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया बच्चों, 66,000। तो बेटे आप इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 6,000, 6,000 एंड 6,000, ओके। तो इसके अलावा बेटे हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बैलेंसेस फॉरवर्ड करेंगे, तो देखो बेटे आ जाएगा यहाँ पे बैलेंस का फाइनल पेमेंट करोगे ना बेटे आप इस क्वेश्चन में, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, ओके, इसके लिए हमें इसका टोटल करना पड़ेगा, देन हम इसका टोटल करते हैं बच्चों अभी एक सेकेंड, तो इसका टोटल 666 और उसके बाद इसका आ गया बेटे 1,40,000 और 667 और ये आ गया बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा 55,667। उसके बाद बेटे हम लोग क्या करेंगे फाइनल पेमेंट, तो फाइनल पेमेंट में बेटे इस क्वेश्चन में तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1,40,667, 20,000 आप डिडक्ट करोगे 35,667, तो इनका तो बैलेंस इज एज सच आ जाएगा बच्चों, 1,40,667, इसमें से आप लोग क्या करोगे बेटे 17,000 को घटा दोगे, तो ये आ जाएगा बेटे हमारा 1,13,666, ओके, तो ये आ गया बच्चों हमारा 1,30,666।
ओके आई होप आपको ये समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद बेटे हम लोग बनाएंगे बेसिकली हमारा जो पार्टनर है बेटे वाई, वाई का लोन अकाउंट और लास्ट वन बैंक अकाउंट। ओके लोग बनाएंगे बेटा लोन अकाउंट, वाई लोन अकाउंट। तो बेटे सबसे पहले आप लोग बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटे ये बैलेंस दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर 20,000 का, तो बस बेटे आप यहाँ पर फाइनल पेमेंट दिखा देंगे टू बैंक अकाउंट 20,000। इसके बाद बेटे हम लोग बनाएंगे बैंक अकाउंट, तो सबसे पहले बेटे बैंक अकाउंट बनाने के लिए हम लोग ट्रांसफर करते हैं बैंक का बैलेंस। इन दिस क्वेश्चन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। ओके उसके बाद देखो बेटे जहां जहां हमने बैंक वर्ड यूज किया है ना अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वहां वहां हम लोग क्या करेंगे बैंक अकाउंट में एंट्री। ये देखो बेटे 1, 2, 3 और 4 टाइम्स हमने यहाँ यूज किया है, तो बेटे क्या एंट्री आ जाएगी, मैंने क्या एंट्री की होगी रियलाइजेशन टू बैंक। तो बैंक अकाउंट में क्या आ गया बच्चों यहां पर बाय रियलाइजेशन, तो एक तो बेटे बाय रियलाइजेशन 4 टाइम्स हमने बैंक लिखा है बेटे, तो चारों बार हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, तो बेटे एडजस्टमेंट साइड पे आपकी एंट्री आ जाएगी बाय रियलाइजेशन। ओके एक तो आपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है, एक पेमेंट की है बेटे आपने बिल्स पेबल की, तो बेटे हम अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं 27,000 से हमारे क्रेडिटर्स हैं और 9,000 से हमारा बिल्स पेबल है, और बेटे 18,000 हमने जीके लोन की पेमेंट की है और 15,000 स्टूडेंट्स वो हमारा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है। अब यहाँ देखिए बेटे यहाँ बैंक अकाउंट कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना डेटर्स के लिए, तो क्या लिखोगे बच्चों टू रियलाइजेशन, ये आ गया स्टूडेंट हमारा 29,000, यहां भी आ गया बच्चों टू रियलाइजेशन। ये देखो एक तो बार तो मैंने इसके लिए लिखा डेटर्स के लिए, फिर हम लोग लिखेंगे 20,000 फर्नीचर लिया था के ने, उसके अलावा बेटे टू रियलाइजेशन हमने की थी, हमें पेमेंट मिली थी इसकी ओके लैंड एंड बिल्डिंग की 2,98,000। ओके जहां जहां हमें, उसके बाद देखिए बेटे हम लोग और कौन कौन सी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं, एक बेटे यहां देखो यहां हमने फाइनल पेमेंट किए ना ठीक है, तो क्या एंट्री की है एक्स कैपिटल डेबिट वाई कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बेटे यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स यहां पर बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाई कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट वन बाय जेड कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ट्रांसफर करेंगे बच्चे हम लोग 1,13,666, उसके अलावा 1,40,667, उसके बाद 35,667। ओके उसके अलावा देखो बेटे हमने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, ये टू बैंक किया था ना बेटे वाई लोन का, तो क्या कर दोगे बाय वाई लोन अकाउंट, ये आ गया स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन के अंदर 20,000। एक बार हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई एंट्री रहना गई है, तो बेटे ये आ जाएगा हमारा 3,79,000। तो देखो बेटे ऐसा करने से हमारा पूरा क्वेश्चन फुल फ्लैश हो जाता है, तो देखो बेटे मैंने आपको बहुत अच्छे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर, आई होप अगर आप कोशिश करेंगे कि ईमानदार कोशिश करते हैं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में भी आएगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन इन योर माइंड देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके थैंक यू स्टूडेंट्स।